कैप्टन अमरिंदर सिंह ते प्रकाश सिंह बादल इन्हों का जो असली चेहरा हौली हौली लोगों सामने आ गया। असल च कैप्टन साहब ने इस केस नू स्ट्रोंगली पुटअप किया ही नहीं कोर्ट के। कैप्टन साहब ने बादलों अगे गोडे टेकते कि 2016 के इन्होंने दिनों च ही अपनी सरकार दे जांदे जांदे प्रकाश सिंह बादल होरां ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ सारे केस वापस ले ले सी। बिल्कुल उही उसे जिहड़ा एहसान का बदला जां उहदा करजा चुका रहे ने ब्याज समेत कैप्टन साहब। आ जिहड़े हामिद अंसारी सी उन्होंने केस दे विच सुप्रीम कोर्ट च बहुत महंगे वकील जिहड़े ने उह कीते गए सी। ते फिर इन्ने सेंसिटिव जिन्हें लखां करोड़ां लोगों दी भावनावां जुड़ियां होईयां ने उस मुद्दे ते वड्डे वकील क्यों नहीं कीते जा सकदे सी। पंजाब सरकार ने जान बुझ के बादल सरकार दे नाल अपनी वफादारी निभाई है। ठीक है इस कचहरी चो तां बरी हो जाओगे पर जिहड़ी परमात्मा की कचहरी है जिहड़ी लोगों की कचहरी है उहदे विच तुसीं बरी नहीं हो सकते। SIT एक होर SIT एक होर SIT एक होर SIT इहदा मतलब इह मामले नूं लटका के बस इन ठंडे वास्ते च पाउणा चाहुंदे ने। इह इस तरह पंजाब दे लोक जिहड़े ओह होण नहीं देणगे। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट वालों बेअदबी मामले की जांच रिपोर्ट नूं खारिज करन तों बाद कैप्टन सरकार चुफेरियों करदी नजर आ रही है। विरोधी धिरां कैप्टन सरकार ते जांच दे केस नूं सही तरीके नाल ना लड़न दे दोष ला रहे ने। श्रोमणी अकाली दल तों बाद हुण आम आदमी पार्टी ने कैप्टन सरकार ते सवाल चुके ने। आम आदमी पार्टी दे प्रधान भगवंत मान ने कैप्टन सरकार ते केस नूं कमजोर तरीके नाल लड़न दे दोष लाए ने। मान ने दोष लाए कि कैप्टन सरकार ने केस नूं सही तरीके नाल ना लड़के बादलों अगे गोडे टेक दिते ने। मान ने दोष लाया कि कैप्टन सरकार एक पासे मुख्तार अंसारी वर्गे डॉन नूं बचाउण लई महंगे वकील कर रही सी पर बेअदबी मामले नूं लड़न लई कोई भी वड्डा वकील सरकार वल्लों खड़ा नहीं किया गया जिसका नतीजा निकल गया कि सरकार नूं हाई कोर्ट विच केस हारना पै गया। मान ने तां इत्थों तक कह दिता कि सरकार ने यह सब कुछ केस हारन लई अते कुंवर विजय प्रताप नूं केस विचों लांबे करन लई ही कीता। उन्हां दोष लाए कि कैप्टन सरकार इस मामले विच दोहरे मापदंड अपना रही है। करनी है कैप्टन अमरिंदर सिंह ते प्रकाश सिंह बादल इन्हां दा जिहड़ा असली चेहरा हौली हौली लोकां सामने आ गया। बच्चे बच्चे नूं पता लग रिहा जिस तरीके नाल गुरु ग्रंथ साहिब जी बेअदबी की जिहड़ी SIT बनाई हुई सी उहदी रिपोर्ट नूं खारज किया गया। असल च कैप्टन साहब ने इस केस नूं स्ट्रोंगली पुटअप किया ही नहीं कोर्ट दे विच। कैप्टन साहब ने बादलों अगे गोडे टेकते क्योंकि जिस तरीके नाल लड़ना चाहिए सी इस केस नूं वधिया वकीलों के थ्रू वह नहीं लड़िया गया क्योंकि आपस च समझौता होया होया। तुसीं जानदे होंगे तुहानू याद होगा कि 2016 के इन्हों दिनों च ही अपनी सरकार दे जांदे जांदे प्रकाश सिंह बादल होरां ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ सारे केस वापस ले ले सी। बिल्कुल उही उसे जिहड़ा एहसान का बदला जां उहदा करजा चुका रहे ने ब्याज समेत कैप्टन साहब ते बादलों नूं ये बेअदबी कांड कोटकपूरा गोली कांड बहबल कांड चो बिल्कुल क्लीन चिट देने वास्ते। जदों दिनकर गुप्ता जिहड़े DGP ने उन्हां दा केस आया सी उन्हां दे सीनियर ने लाया सी कि तुसीं गलत लाया होया इहनां दी अपॉइंटमेंट नूं तां उस वेले कैप्टन साहब ने उन्हां नूं बचाउण लई P Chidambaram नूं लिआंदा सी हाई कोर्ट च। ते आ जिहड़े हामिद अंसारी सी उन्हां दे केस दे विच सुप्रीम कोर्ट च बहुत महंगे वकील जिहड़े ने उह कीते गए सी। ते फिर इन्ने सेंसिटिव जिहदे नाल लखां करोड़ां लोकां दी भावनावां जुड़ियां होईयां ने उस मुद्दे ते वड्डे वकील क्यों नहीं कीते जा सकदे सी। असल च इह केस हारन वास्ते और इह रिट जिहड़ी है इह पाई गई सी जिहड़ी उहदे विच इस कुंवर विजय प्रताप जो कि बहुत ईमानदार अफसर है उहदी जिहड़ी रिपोर्ट क्योंकि उहने सारे दोषी जिहड़े दुद्ध दुद्ध पानी दा पानी करता सी उहनां नूं बचाउण वास्ते ते कुंवर विजय प्रताप नूं इस कमेटी चों इस सिट चों हटाउण वास्ते इह रिट जिहड़ी आ पाई गई सी। ते पंजाब सरकार ने जान बुझ के बादल सरकार दे नाल अपनी वफादारी निभाई है। ठीक है इस कचहरी चों तां बरी हो जाओगे पर जिहड़ी परमात्मा की कचहरी है जिहड़ी लोकां की कचहरी है उहदे विच तुसीं बरी नहीं हो सकते। बहुत कड़े शब्दां दे विच
सख्त शब्दों के असीं पंजाब सरकार की कैप्टन सरकार की इस नलायकी की निंदा करते हैं कि उन्होंने गुटका साहब की सहु खा के किवें बेअदबी गुरु साहब जिहड़ी होई है उहदे दोषियों जिहड़ा मैं जल्दी तो जल्दी फड़ूंगा तो उन्होंने उन्होंने इंजाम तक पहुंचाऊंगा इंसाफ मिलूगा। तो यह दूरी बेअदबी कैप्टन साहब ने की है कि एक पासे गुटका साहब की सहु झूठी खाधी तो दूजे पासे बेअदबी कांड के दोषियों बचाने वास्ते उन्होंने ये हाई कोर्ट के थ्रू केस नूं बहुत कमजोर तरीके लड़िया जिहदे करके जी एस आई टी है कुमर विजय प्रताप वाली ईमानदार अफसर जी जी एस आई टी की रिपोर्ट जी खारिज कर दिता गया हूं एक नवी एस आई टी बनूगी जांच कित जिहड़े तण पत्तण लग ही नहीं रही एस आई टी एक होर एस आई टी एक होर एस आई टी एक होर एस आई टी इहदा मतलब यह मामले नूं लटका के बस इहनूं ठंडे वास्ते च पाउणा चाहुंदे ने यह इस तरह पंजाब दे लोक जिहड़े ओह होण नहीं देणगे। दस दिए कि बैबल कलां बेअदबी अते कोटकपुरा गोलीकांड मामले की जांच रिपोर्ट बीते दिनी एस आई टी ने हाई कोर्ट विच सौंपी सी जिस ते के कल हाई कोर्ट विच सुनवाई हुई अते हाई कोर्ट ने अपने फैसले विच इस जांच नूं सिरे तो खारिज कर दिता सी। हाई कोर्ट ने तां इत्थों तक कह दिता सी कि कुंवर विजय प्रताप ने मामले की जांच निरपक्ष तरीके नाल नहीं कीती अते सरकार नूं नवी एस आई टी बनाउण लई आख्या सी जिस ते के सरकार ने हामी भी भर दी थी पर अज भरोसेयोग सूत्रां तो मिली खबरां तो बाद पता लग्या सी कि सरकार हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट जा सकती है पर फिलहाल लई सरकार वल्लों अजिहा कोई भी ऐलान नहीं किया गया जिस तो बाद हुण कैप्टन सरकार एक बार फिर तो विरोधियों के निशाने ते खड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट पंजाबी लोक चैनल। मेरा नाम नीलम है मेरे घर का नाम सरदार सूबा सिंह है असं पिंड आले वाले के रहने वाले हैं फिरोजपुर जिला फिरोजपुर तो मेरे कैंसर हो गया सी 2000 विच ते मैं पी जी आई चंडीगढ़ तो इलाज करवाया सी जी उत्थे ऑपरेशन किया उन्होंने मेरा ऑपरेशन करता तो इलाज लूज तो बाद मैं 2 साल बाद फिर कैंसर फुट पिया फिर मैंने इन्होंने दस्या रोमोस्टैटिक वाले का फिर मैं इतने चली गई तो इतने मैंने जानदे उन्होंने 8 दिन की दवाई दी तो 8 दिन बाद मैं थोड़ा फर्क पैना शुरू हो गया कि मैं पहला ऐसा कि नहीं बचती फिर मर के जो इन्हें दवाई दी तो मैं बहुत फर्क पै गया 8 दिन थोड़ा जहा पैना फर्क हो गया 3 महीने का इलाज से इन्हों का भी 3 महीने अभी दवाई खवावे फिर ठीक करेंगे तेन वो 3 महीनों के भी मैं 8 दिन घट ही खाधी दवाई तो मैं ठीक हो गई बिल्कुल। फिर मैं इतों बागी तो करवाया सीटी स्कैन करवाई सारे टैस्ट दोबारा करवाए भी कैंसर हो फिर रहता नहीं गया कि वो कहते नहीं जी हूँ तू बिल्कुल ठीक है।